वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को घेरा है। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी जारी है। उत्तर प्रदेश के जमाने में 20% कमीशनखोरी थी और अब प्रदेश में ज्यादा कमीशनखोरी है। तीरथ सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस ने भी वार किया, कहा कि हमारे आरोपों की पुष्टि कर दी है तीरथ सिंह रावत। हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर जीरो पे आना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने सर्दी के मौसम में भी देवभूमि की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर जीरो पे आना चाहिए था। हम उत्तराखंड में आए तो हमें जीरो होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य हुआ। तीरथ रावत का बयान संगठन और सरकार को असहज करने वाला है। कमीशन खोरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोलते आया। इन सब के बीच विपक्ष के आरोपों को और धार मिल गई। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर इन 22 सालों में उत्तराखंड में कमीशन खोरी बहुत बढ़ गई है। सवाल ये उठता है कि जो आपने इशू उठाया है उसका कर्ता धर्ता कौन है, उसका जड़ कौन है, उस जड़ से उसको मिटाएगा और हटाएगा कौन। विपक्ष के आरोपों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया। जो विपक्षी लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। धामी जी की सरकार बहुत तेजी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने से। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर सरकार के साथ उनको घेरते हुए पूछा कि कमीशन खोरी की दर तो आपने बता दी, लेकिन आपने उसे रोकने के लिए क्या किया ये भी बता दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने है। तीरथ सिंह रावत जी स्वयं रहे मुख्यमंत्री, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस 20% जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला है उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की, उन्हें वो भी बताना चाहिए। तीरथ सिंह रावत के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तीरथ सिंह रावत के कमीशनखोरी वाले बयान ने सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति और संगठन की भ्रष्टाचार विरोधी छवि दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्ट्रीट। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा, ऐसा बयान देकर उन्हीं को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो इस बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे? देखिए, तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वर्तमान में लोकसभा पौड़ी के सांसद भी हैं, और क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बड़ा कद रखते हैं बीजेपी में, हिमाचल के प्रभारी तक रहे हैं, तो केंद्र में भी दखल रखते हैं। और अगर वो किसी बयान को देते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में कमीशन खोरी उत्तर प्रदेश के जमाने से ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी सरकार और उनके संगठन दोनों को असहज करने वाली स्थिति है। और इसीलिए शायद सीधे तौर पे सरकार और संगठन की ओर से कोई बयान भी सामने अब तक नहीं आया है। हाँ, ये ज़रूर है कि त्रिवेंद्र रावत भले ही मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं लेकिन व्यंग्यात्मक तरीके से कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं, और उन्होंने एक तौर पे सीधे तीरथ सिंह रावत के बयान का भी समर्थन किया है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे बेहतर ये होता कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री से ये बात कहते, अगर पर्टिकुलर कहीं शिकायत थी उस शिकायत को दर्ज कराते, कोई जानकारी उनके पास स्पेसिफिक थी तो उससे मुख्यमंत्री को साझा करते। और उनके इस तरह के बयान के बाद अब विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है, क्योंकि विपक्ष तो इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पे हमले कर रहा था, लेकिन अब तीरथ सिंह रावत जैसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान के बाद विपक्ष को धार मिल गई है अपने इस बयान को लेकर। जो आरोप वो लगा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत
उम्मीदें दिख रही हैं कि अब सरकार को इस पर घेरा जा सकता है, और सही भी है, संगठन और सरकार दोनों असहज हो रहे हैं क्योंकि पार्टी के बड़े नेता ने, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाए हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि अगर उनको ऐसा लगता था कि कमीशनखोरी बहुत ज्यादा बढ़ी है तो उनको सीएम के पास जाकर ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मीडिया में आके ये बात कही है, इसके पीछे का क्या ऐसी कोई जानकारी की, क्या कोई नाराजगी जो इसके जरिए वो व्यक्त करना चाह रहे हो, या फिर जबान फिसल गई? देखिए, नाराजगी सभी में है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी अगर ये कहती है कि वी आर द पार्टी विद द डिफरेंस, हम अलग हैं, अलग सोच के हैं, तो ऐसा नहीं होता। राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर किसी में होती है, और बीजेपी में भी देखिए, त्रिवेंद्र रावत हो, तीरथ रावत हो, दोनों को हटा के एक दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तीरथ सिंह हटे तो फिर पुष्कर धामी आए, और ऐसे में कई बार आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रहती है और आपके गुट भी सीधे तौर पर दिखते हैं। प्रदेश की राजनीति में इस समय साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री से इन दोनों नेताओं का कोई सरोकार नहीं दिखता है। भले ही ये कहते हों कि हम सब एक हैं, लेकिन फिलहाल बड़े गुट नजर आते हैं, और इस तरीके से बयान, ऐसा नहीं है कि तीरथ सिंह रावत कोई नए नेता हैं, वो प्रदेश के मचे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जैसा मैंने कहा, इस वक्त सांसद भी हैं। अगर उन्होंने कोई बयान दिया है मीडिया में तो बहुत सोच समझ के दिया होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि राजनीति में कई बार ऐसा होता है जब आपको अपनी ही सरकार से शिकायतें भी होती हैं, लेकिन आप उसे बंद कमरे में निपटाते हैं, आप उसे पार्टी फोरम में रह के निपटाते हैं, क्योंकि इसी बात के लिए भाजपा संगठन जाना जाता है कि आपकी लड़ाइयां कांग्रेस की तरह या अन्य पार्टियों की तरह खुलकर सामने नहीं आती हैं। लेकिन इस बयान के बाद ये दिखने लगा है कि कहीं ना कहीं कुछ कला तो चल रही है, जो कहीं ना कहीं कुछ कला चल रही है, कहीं ना कहीं शायद गुटबाजी भी हो रही है। सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से